देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी अब दूधिया रोशनी से जगमग होने जा रही है। शहर समेत कई वार्डों में सोडियम की जगह एलईडी लाइट लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। दून के मेयर वीरू चौमेली ने बताया कि तय समय में लाइट लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं एलईडी लाइट लगाने के बाद नगर निगम को लगभग 1.5 करोड़ की बचत भी हो पाएगी। पूरे शहर में 42,000 एलईडी लाइट लगाई जानी है और कार्यदायक कंपनी के लोग तेजी से इन्हें लगाने का कार्य कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारी का कहना है कि प्रतिदिन लगभग 300 लाइट लगाए जा रहे हैं और तय सीमा के अंदर इन्हें लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। जो एलईडी लगाने का काम शहर में चल रहा है उसको पूरा कर लेंगे और पूरे शहर में लगभग 42,000 लाइटें हम लोग बदलने जा रहे हैं। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार शहर दूधिया नजर आ रहा है, उसके साथ साथ हम लोगों को लगभग 1.5 करोड़ की बजट प्रतिवर्ष जो खर्चा हमको इस पर आता था वो भी होने जा रहा है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।